यही वो घर है जहाँ पर जो कल अनगिनत जो गोलियां चलाई गई थी। आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर जो छेद कर दिया गया सब बलिया। कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हैं सोनू ब्लॉग, सो मैं हूं आपका दोस्त सोनू। ने तो साथियों, लगातार मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से दलितों पर जो अत्याचार की सीमाएं बढ़ती जा रही, वो एक निंदनीय घटना है। जिस तरह से दलितों को पीटा जा रहा है, चाहे वो जमीन विवाद को लेकर हो या सामाजिक विवाद को लेकर, ऐसी ही घटना जो है करेरा मध्य प्रदेश में हुई है, जहाँ पर जो ठाकुर समाज के लोगों ने जो है जाटव समाज के लोगों को जो है घर में घुस के मारा है, अनगिनत फायरिंग की है, चोटिल हुए हैं कई सारे लोग। लेकिन कल रात की ये घटना है, FIR आज तक दर्ज नहीं हुई है। इसको लेकर जो आज स्वाभाविक आज जो प्रदर्शन होने वाला है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी और तमाम जितने सामाजिक संगठन हैं वो शामिल होने वाले हैं, और पुलिस प्रशासन से आज ये मांग करें कि उन पर जो कड़ी सी कड़ी जो 307, 324, 26 और SC ST एक्ट तमाम जो धाराएं वो लगाकर उन पर जो FIR दर्ज हो और जल्द से जल्द जो है उनकी गिरफ्तारी हो। उसको लेकर जो है भीम आर्मी संगठन की अभी एक बैठक चल रही है। ये बैठक में भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन लोग आए, और इस बैठक जब ये खत्म होगी तो उसके बाद जो है थाने का घेराव किया जाएगा। परिजनों के परिवार और गांववासी भी जो है करेरा थाने पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम, आप सोनू ब्लॉग्स देख रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। साथियों, सबसे पहले पूरी घटना सुन लीजिए। दरअसल करेरा विधानसभा में एक गाँव आता है सिलरा। सिलरा गांव में जो है जाटव समाज के कुछ व्यक्ति के साथ जो ठाकुर समाज के लोगों ने मारपीट की है, और मारपीट इतनी की, अगर मैं आपको साइट में कुछ फोटो दिखाऊंगा, आप मेरे साइट में कुछ फोटोज देख पा रहा हूँ। मैंने इनको थोड़ा सा ब्लर इसलिए कर दिया क्योंकि काफ़ी चोटें लगी हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह से मारपीट की गई है। और यदि थोड़ा सा अगर मुझे समय मिला तो मैं गाँव जाकर वो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको जरूर दिखाऊंगा। अगर आप गाँव की दीवारों पर देखोगे तो आज भी फायरिंग की जो गोलियों के बूट हैं वो आपको उसमें लगे मिल जाएंगे। पीड़िता के परिवार ने जो काफ़ी सारे गोली के राउंड जो खाली होते हैं वो भी इकट्ठे किए हो गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं चलता हूँ जहाँ पे बीमारी के कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही है, और उनसे बात करेंगे कि आज उनकी क्या मांगे और किन मांगों को लेकर वो जो है करेरा पुलिस प्रशासन और करेरा थाने का घेराव करने वाले हैं। साथियों, इस वक्त मेरे साथ हैं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष रामेश्वर सोलंकी जी। सर, आपने आज जो बैठक किस लिए ली थी यहाँ पे? आज बैठक इसलिए ली है कि कल हमारी जाटव समाज के साथ कुछ बहुत ज़्यादा अभद्रता से बेइज्जती करी है राजपूत समाज के लोगों ने जी। कुछ सरकारी जमीन का मामला था तो फायरिंग वगैरह भी काफ़ी करी है। अभी घटनास्थल पर जाके हम देख रहे हैं, कुछ एक आध घंटे में पहुँच रहे हैं हम वहाँ पे। तो आज सभी साथियों के साथ बैठ के हम ये निर्णय ले रहे हैं, और थाना घेराव करने की भी तैयारी पूरी तरह से चल रही है हमारी। साथियों, ये थे रामेश्वर सोलंकी जी, जिलाध्यक्ष है भीम आर्मी के, और इनकी स्पष्ट मांगे थी कि FIR यदि 307 की FIR नहीं होती और SC ST एक्ट नहीं लगाया जाता तो थाने का जो है घेराव किया जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं सिलरा गांव से लगभग जाटव समाज के दो ट्रैक्टर भर के जो है पूरे के पूरे करेरा थाना का घेराव करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि FIR में अभी तक जो है 307 नहीं लगाई। साथ में मैन बहुत जी भी है, पूरी भीम आर्मी की टीम है, और पीछे आप देख सकते हैं पीछे SP साहब की गाड़ी खड़ी हुई है। उन्होंने जो है काफिले को रोक लिया है, इस गाड़ियों को रोक लिया है। अब इनको जो है गाँव वापस ले जा रहे हैं, और गांव वापस ले जाने के बाद जो है ग्राउंड जीरो पर इसकी रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद जो है FIR दर्ज होगी। और अभी भी यही मांगे, यदि FIR में 307 नहीं लगी तो ये आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला। तो साथियों, इस वक्त हमारी टीम जो है लगभग सिलरा से 1 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी है। अभी सिलरा जो है, यहाँ से अगर मैं आपको इस तरफ कैमरा घुमाऊँ तो सामने जो गांव दिख रहा है वो सिलरा गांव है, और लगभग 50 लोगों की हमारी ये टीम है पूरी, जिसमें वीर सिंह जी हैं और तमाम भीम आर्मी और बहुजन समाज से जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनसे जुड़ी हुई काफ़ी सारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। पीछे जो है एडिशनल SP और तमाम पुलिस फोर्स की गाड़ियाँ जो आ रही हैं, और अभी मैंने आपको वीडियो में थोड़े कुछ ट्रैक्टर वगैरह दिखाए थे, वो गाँव के ट्रैक्टर थे जिनमें काफ़ी गाँव के लोग जो भर के जा रहे थे।
तो साथियों इस वक्त आप देख सकते हैं मैं उस ग्राउंड जीरो पर है, यही वो घर है जहाँ पर जो कल अनगिनत जो गोलियां चलाई गई थी। अभी आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर जो छेद कर दिया गया, सब बलिया या कुछ और का प्रयोग किया गया, और चारों तरफ यदि आप देखना चाहें तो सिर्फ ईंटें आपको टूटी हुई मिलेंगी, क्योंकि अनगिनत जो है राउंड यहाँ पर जो है गोली के चलाए गए थे। और मैं आपको थोड़ा सा और इधर की साइड दिखा रहा हूँ, आप इधर देख सकते हैं किस तरह से जो है पूरे गुम्मे फैले हुए हैं, गुम्मों का पथराव किया था और गोलियां जो है यहाँ पर अनगिनत चलाई गई थी। मैं आपको सीधे ग्राउंड जीरो से वो रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये वो घर है आप देख सकते हैं, इधर पूरी जो है दीवार वगैरह जो है तोड़ दी गई है, और इधर आप देखिए इस तरह से अगर दीवार पे आप छेद देख पा रहे हो, ये वो दीवार पर छेद है, आप इधर सीधे देख पा रहे हो, इधर ये वो घर है ग्राउंड जीरो से। और अभी जो है एडिशनल SP सिपरी मध्य प्रदेश जो है सामने आ चुके हैं, वो ग्राउंड जीरो का जो है जायजा लेंगे। मैं थोड़ा सा और आपको अंदर की साइड और दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये अंदर का साइड का आप नजारा देख सकते हैं किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गुम्मे फैले हुए डले हुए हैं, और मतलब लोगों ने छत्र से भागने की कोशिश की, गोलियां वगैरह भी चली थी ना, क्यों गोली चली थी, कम 40 फायर हुए थे, कम से कम 40 से ज्यादा 40 से ज्यादा जो है यहाँ पर जो फायर किए गए थे। आप घर की कंडीशन देख सकते हैं किस तरह से जो है टूटा, कहाँ दुखे थे, कट्टा में, तो आप देख सकते हैं जो खाद वगैरह के जो कट्टे होते हैं अनाज रखने, उन कट्टों में दुख कर जो है लोगों ने जान बचाई थी। और आप सीधे मैं आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, अब थोड़ा सा हम SP साहब और जो तमाम पुलिस प्रशासन आया उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। पहले आप स्पॉट देख ले सर, पीछे कौन डाले, पीछे हटो, दो बीच में से आप अपना दूर पर कब्जा किए थे, वो सरकारी जमीन है, उस पर हमारे मोहल्ला वालों का कब्जा करीबन 200 बीघा जमीन है, वो आए दादागिरी से हमारी फसल बो गई थी, उसमें फसल बो के वो आए दादागिरी से जोत गए, इधर से निकल गए फायरिंग करते हुए, पुलिस जो मतलब यहाँ पर जो गार्ड आए थे उनको हमने राउंड वगैरह मिल गए वो उनको दिए उन्होंने, और फिर उधर से आए तो गाली वगैरह सब जाति सूचक गाली दी, चमार वगैरह उन्होंने जो किया मतलब वो किया, और फिर उधर से पत्थरबाजी की, यहाँ पर हमारे जो लोग बाग थे मोहल्ले के गांव के लोग बाग उन्होंने रोका कि भाई तुमने हमारी ज़मीन ऐसे मतलब क्यों जूती, जब हमारा कब्जा था करीब 5 साल से कब्जा है सर हमारा, उससे उन्होंने बदतमीजी की, फिर हमको मतलब पत्थरबाजी और फायरिंग वगैरह की, तो हम घर में घुस गए साहब, घरों में तलक उन्होंने कुंडी टूट टूट के किया हमारा है, गोली कम से कम 100 राउंड एक घंटे कम से कम वहाँ से सर कम से कम 50 लोगों से वो ज़्यादा थी, 3-4 हमारी रिपोर्ट हो गई, अब क्या क्या बताओ सर हमारे को जो हमारी हमें भूमि को बाप मर्डर भी करता था पहले, हमें वो भूमि को बाप है जी, सुनो जी हमारा पुलिस काम नहीं है तो ये तो मैं पता ही है, हमें लाइसेंस का काम करो जो परिवार हो गई उसमें काम सीधा है, जो परिवार के लोग हैं जिनसे घटना हुई है जिन्हें जमीन जोत दी है, ठीक है, यहाँ विवाद हुआ है वो लोग वहाँ से लाइसेंस डाल दें, मेरी जिम्मेदारी है, आवेदन डलवा दो, तीसरे दिन भेज दूंगा, आवेदन डलवा दो, आवेदन डालो मेरे पास सीधे आओ, लेकिन ऐसे लोगों को देना, ऐसे लोगों को जमीन तो जोत नहीं पाए, कभी मार गए तो 15 का घर बर्बाद हो गया पूरा, आदमी जिनसे खतरा है गाँव के उनके पद से, उनके सबके नाम बाप का नाम उमर, अभी बैठ जाओ दीवानी को अनुरोध करा दो, इधर और कल भी सुनो हम 50,000 एक लाख से हम इससे बाउंड ओवर करवा देंगे, जमीन ग्रीन में करवा देंगे, नहीं गेट और तो सर एक बात है पूरी जमीन चरदोई भेजो तो ठाकुर हम बिल्कुल ना जोते हैं बिल्कुल सब की छुटवा दो, सर हमारा कब्जा था पहले से, उन्होंने दादागिरी से कब्जा किया हमारी फसल वो दई वो फसल वो ली थी, वो कल ट्रैक्टर ले आके उन्होंने जो तुम बता रहे हो ना जमीन कितनी जमीन ये जो 700 बीघा चरदोई है सर 400 जो भी है तुम्हें पूरी बता देना, कलेक्टर साहब SP साहब जो भी आएंगे तुम्हारे उनको पूरी जमीन दिखवा लेंगे पटवारियों से सब आगे, तुम क्या वो नहीं करने दोगे उनके उठवा देंगे उनका भी हम उजाड़ जाएंगे। सही जी 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 इतनी बात है ना, जी जी बिल्कुल बिल्कुल के लिए अरेस्ट करेंगे सर, आप लोगों ने बताया और हम खुद नहीं आए इसलिए आपको लेके आए, ऐसा ना हो कि मतलब आपको चले जाएंगे, कोई बीच में नहीं है, आप जो पीड़ित हो आप पीड़ित हो और हम प्रशासन है पुलिस प्रशासन यहाँ आए हुए आपसे सुनवाई के लिए, उस जगह में आए हैं जहाँ आपने पत्थर भी दिखाया और जो घटना घटी है
तो जितना भी अभी बताया हमारे एसडीपी साहब पीआई साहब ने वही कार्रवाई होगी जी सर। इसके अलावा जो आप जो बोल रहे हो वैसा ही चलेगा, वोट करवा लो पूरी जो भी है वो बयान दे जाके जी कितने से गोली चलाई जा वो करवा देंगे बड़ा बढ़ जाएगा जी। ठीक है और मोटरसाइकिल फिर से 4 सप्ताह ही बढ़ जाएगी उसमें नहीं नहीं पहले बढ़ेगी बढ़ जाएगी कोई दिक्कत और भी कई सारी एफआईआर हुई उसमें पहले बढ़ती है। 4-5 बयान भी नहीं हुए ना नहीं वो कोई सर हैं वो बार बार फोन लगा रहे हैं कि इस पे साइन कर दो एफआईआर पे जो कॉपी है उसकी इधर की परिवार ही है कोई जी। रिसीव तो दोगे कि नहीं? हाँ रिसीव जब देंगे जब उसमें 307 हो जाएगी जी। नहीं बढ़ता बेटा अलग से बढ़ाते हैं। अरे सर हमने कहा और पहले कभी करा ही नहीं है क्या? अरे मेरी बात सुनो, क्या नाम है आपका? सुना मेरा नाम सोनू निगम है जी। सोनू समझा दे एक मिनट जी जी। क्या बताए एफआईआर जी जो ने दिया था उसमें डल चुकी है जी, वो जा चुकी है जी। तुम्हें पापती के लिए साइन करना है केवल जी। ठीक है ना, आप 5 लोग बयान देंगे ना कि हमने गोली चलाई थी कराई थी उसमें 307 बढ़ जाएगी जी सर। अधिकारियों की बचन है बात है। इस वक्त आप देख सकते हैं एडल एसपी साहब और एसपी साहब जो है ग्राउंड जीरो की पीछे रिपोर्ट ले रहे हैं कि कहां पर दरअसल ये घटना किस प्रकार से हुई होगी और कैसे हुई होगी, अंदर से जाकर किस तरह से गोलियां पत्थर जो हुए थे उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं ताकि उस मामले को जो है पूरा समझा जा सके। बताओ पूरा क्या बताए पूरी घटना? हमें तो भीतर बंदूक कड़ाई थी बिल्कुल। ठीक है और बिल के ना आए थे और ये थे तो साथी। इस वक्त आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन जो है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ले रहे हैं, दरअसल उस दिन जब कल ये घटना हुई थी तो किस प्रकार से क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा उसका पूरा जायजा जो है एसपी साहब सेम आकर गांव में आकर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो तोड़ फोड़ की गई है। इधर मैं आपको एक बाइक दिखा रहा हूँ, बाइक को देखिए किस तरह से जो है आगे से उसका जो पूरा सिर तोड़ दिया गया, पीछे जो नंबर प्लेट होती है उसको भी जो है तोड़ दिया गया, जैसे कोई लाठी डंडे से जो है इस पर लगातार जो है कई बार वार किया होगा जिस कारण से टूट गई होगी। माननीय एसपी महोदय जी और एडिशनल एसपी और तमाम पुलिस प्रशासन फोर्स जो है इसकी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ले रहा है। किन का घर है जी, नाम बताओ? हरी सिंह के पिताजी का नाम बताओ? ब्रजलाल। हरी सिंह कार्रवाई करें, चिंता नहीं करो। तुम्हें हाथ में किससे मारा? डंडा दिया था कि बंदूक उल्टी करके नहीं ऐसी। तो साथियों अभी मैंने बताया कुछ लोगों के जो है हाथ पैर भी तोड़ दिए गए हैं। बंदूक जो होती है बंदूक के पीछे का जो साइड हिस्सा होता है जिसे हम बुट भी कहते हैं उसको जो उल्टा करके जो हाथ पैरों पर मारा जिसके कारण अभी मैंने जो आपको वीडियो में दिखाया था उन व्यक्ति का जो है हाथ भी फ्रैक्चर हो चुका है। तो आप देख सकते हैं दरिंदगी की जो है पूरी सारी जितनी भी हदें होती हैं वो पार कर दी गई हैं। आप पीछे देख सकते हैं लगभग सामने से जो वो रोड दिख रहा है आपको उस तरफ से जो है गोली चलाई गई थी उधर। आप मैं आपको इधर थोड़ा करके दिखाऊँ, ये आप छेद सकते हैं साइड में। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पर गोलियाँ चलाई गई थी और दीवारों में जो आज भी छेद हैं। कोई ऐसी घटना ऐसा मत करना कि दूसरे आदमी को उंगली उठाना। मौका मिले तसल्ली बना रखो। अधिकारियों ने आप सबके सामने स्पॉट देख लिया। आप बयान दोगे बहुत कार्रवाई जाएगी, बहुत कार्रवाई मारी है। रात गई जीवरी लगा दी, जीवरी डरी है मगर भर्ती है ना अभी भर्ती है। तो उनके बयान होंगे अभी मारे बन जाएंगे स्वयं बयान देंगे ना बयान देंगे तो साथियों पुलिस प्रशासन ने जो अभी पूरी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ली, दरअसल कल जब ये घटना हुई थी क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ ये सब जो है पूरे पुलिस प्रशासन जो है
एसपी साहब, एडिशनल एसपी टीआई मनीष शर्मा जी और तमाम जो आला अधिकारी हैं, सब लोगों ने जो है ग्राउंड जीरो की वहाँ पे जो है जायजा लिया, लोगों को आश्वासन दिए कि उन्हें जो बंदूक की लाइसेंस वगैरह और कोई भी जो अपराधी उन पर जो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी तरह की किसी व्यक्ति को जो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस तरह का जो पूरा आश्वासन दे दिया है। तमाम और कुछ घायल लोग हैं उनको जो है गाड़ी में बैठा कर जो कर रहा थाने और फिर उनका जो है मेडिकल करवाने के लिए पूरी टीम जो है यहाँ से निकलेगी। अभी सब लोग जो है थोड़ा सा और बैठकर इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो वो हॉल है, ब्लर है वीडियो इसलिए थोड़ा नहीं दिख रहा हो, तो यहाँ पर जा बैठकर जो इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इस घटना में क्या हम और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों की मदद कर सकते हैं। तो साथियों अभी जो है पूरा पुलिस प्रशासन जो है करेरा के लिए निकल चुका है, हमारी पूरी टीम को लगभग मैं हूँ, महेंद्र बौद्ध हैं, रामेश्वर सोलंकी, वीर सिंह जाटव और तमाम सोनू टचारिया, तमाम जो हमारी टीम है उनको जो है एसपी साहब ने और हमारी टीआई साहब ने जो घर करेरा बुलाया कि आप यहाँ पर बैठिए और जो भी समस्याएं एफआईआर में जौन जौन सी धारा वन नहीं बढ़ी उन्हें बढ़वा लीजिए। तो आज का वीडियो मेरे लिए आपके पास इतना ऐसा है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा, लेकिन ये घटना को जो है मैंने पूरे विस्तार में दिखाने की कोशिश की। आप देख रहे थे सोनू ब्लॉग्स और मैं हूँ आपका दोस्त सोनू निगम। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए और किसी भी प्रकार की और वीडियो आपके पास है जिन्हें आप मेरे चैनल पर चलवाना चाहते हैं, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, आप मुझे उस पर सेंड कर सकते हैं। तो मुझे सपोर्ट करते रहिए।